इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे हैं दो छोटे छोटे, मैं कैसा करूं, मैं कैसा करूं, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं घर को खाने वाले ही। ये इंसान गरीब था, गुंडी काम करता था, कहीं को बेचारे को कहीं गरीब को ऐसा क्यों करे? गरीब आदमी है, वो मेहनत कर खाने वाला है, लेबर काम करने वाला है, उसके बीवी बच्चा का कैसा पल्ला। कुछ भी उनके लिए हेल्प हो सकती तो आप लोग करिए, और उनके जो खातिल है उन खातिल को सामने लेके आई। आदमी इतना अच्छा था कि किससे बात नहीं, चीज नहीं, क्या नहीं, ऐसा नजर उठा के देखना नहीं, क्या नहीं, अपने काम से अपन जाता था, रात को सुबह में जाता था, रात में आता था, एक रुपया लेना ना देना ना कुछ करना। बंदे के बारे में क्यों इतनी बेरहमी से मारे? तमाम अहलिया ने मोहल्ला कानून से अदबन गुजारिश करते हैं कि इनके खातिलों को जल्द से जल्द अरेस्ट करें। सुबह में मेरे शोहर 10 बजे गए थे काम पे, गए थे शाम में आती मुल्कों में रास्ता देखी, उन्होंने आए नहीं, पूरी रात गुजरी उन्होंने आए नहीं। उसके लिए मैं सुबह में मैं सबको फोन लगाई, सब मेरे लोगों को फोन लगाई, तो सबको बोली मैं अभी आए नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे हैं दो छोटे छोटे, मैं कैसा करूँ, मैं कैसा करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं घर को खाने वाले ही, दूसरे को सिया कर रही है मैं 2-5 साल से, मेरे मर्द कुछ भी करने के नहीं, क्या नहीं, झगड़ा के नहीं, क्या नहीं, मैं कैसा करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसान के साथ कई के कई के दुश्मनी थी लोगों के साथ, कई को ऐसा कर रहे लोग, ये पुलिस से गुजारिश है इनको अरेस्ट करो, इनको अरेस्ट करो, और ये कौन है दुश्मन उनका, कौन अरेस्ट करो, अच्छा से अच्छा सजा दो उसको। क्यों? ये इंसान गरीब था, गुंडी काम करता था, और आज तक अभी तक बेचारा टिफिन में को लगा तो शाम तक घर को नहीं आता था, कहीं को ऐसे बेचारे को कहीं गरीब को ऐसा क्यों करे? ये गुजारिश है जल्द से जल्द अरेस्ट करो। गरीब आदमी है, वो मेहनत कर खाने वाला है, लेबर काम करने वाला है, उसके बीवी बच्चा का कैसा पल्ला और कैसा गुजारिश होना, और जो भी है उसको इंसाफ दो। हर महिले वाले होंगे, पर महिले वाले होंगे, पूरी दुनिया वाले होंगे, बेचारी को इंसाफ जरूर देना जरूरी है, मार की छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसको कुछ तो भी बंदोबस्त करना। कुछ भी उनके लिए हेल्प हो सकती तो आप लोग करिए, और उनके जो खातिल है उन खातिल को सामने लेके आइए, उन खातिल को जो है ना सख्त से सख्त सजा दीजिए, किस बुनियाद पे किए, क्या था इनके साथ, पूरा खुलासा चाहिए। हम लोगों की डिमांड है कि उनको जो है ना सामने लेके आइए, क्या किए वो लोग, क्या नहीं किए, क्यों हुआ ये हादसा। मजदूर इंसान, किसी के साथ कुछ लेना नहीं, कुछ दुश्मनी नहीं, मामूली से घर पे से अगर कहीं काम पे जा रहा तो भी 10 रुपये दे के ऑटो से नहीं जाता था इंसान, पैदल जाने वाला इंसान, वैसे इंसान के साथ ऐसी जो है ना हादसा हो गया है। आदमी इतना अच्छा था कि किससे बात नहीं, चीज नहीं, क्या नहीं, ऐसा नजर उठा के देखना नहीं, क्या नहीं, अपने काम से अपन जाता था, रात को सुबह में जाता था, रात में आता था, और किससे बात करता था नहीं, क्या नहीं। अब उन कल से गया सो है, गए रात में नहीं आया, उसकी बीवी को बोले तो उसकी बीवी वो सबको मालूम कराई, और उसकी भान कने भी आके बोली तो सबको मालूम, तो उसका भाईजान गाड़ी लगा था टीपू चौक पे, वहाँ पुलिस वाले से मालूम होने से, जब यहाँ मालूम होने से जब बच्चा को मालूम हुआ ऐसा आदमी था वो, इसके बारे में अगर तारीफ भी करे तो कम था। वो आदमी काम और घर से भला दूसरा कोई भी कोई चीज़ नहीं है, एक परगों से कर को खाने आने वाला इंसान, वो इंसान की जान क्यों लिए बेरहमी से, वो मेरे को पता तो नहीं। बस मैं पुलिस डिपार्टमेंट से एक अपील कर सकता हूँ, जल्द से जल्द अरेस्ट करें, उनको अरेस्ट करो। क्यों इतनी बेरहमी से? ऐसा क्या है जो परगों का वाला इनका क्या बिगाड़ा होगा? एक रुपया लेना ना देना ना कुछ करना। वो बंदे के बारे में क्यों इतनी बेरहमी से मारे? आज यहाँ पे उमर कॉलोनी आज़ादपुर रोड पे एक हादसा ऐसा पेश आया, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान, जो किसी के एक में ना दो में, आज जो है ना वैसे इंसान का जो है ना कत्ल किया गया।
तो इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या है, कुछ तो भी जो है ना मालूम तो होना। चलो भाई, किसी से झगड़ने वाला इंसान, किसी से कुछ नहीं, क्या नहीं, सीधा सीधा अपना जो है ना काम करना और सीधा घर पे वापस आना, अपने बीवी बच्चों में खुश रहने वाला इंसान, बच्चों को ऐसे इंसान का जो है ना इतना बेदर्दी से कत्ल किया गया, इनके पीछे कोई सहारा नहीं है, ना तो इनका जो है ना कोई बैकबोन कोई नहीं है इनका। हम तमाम अहलियाने मोहल्ला कानून से अदबन गुजारिश करते हैं कि इनके खातिलों को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दें। ये इंसान ऐसा नहीं था कि किसी के झगड़े में गया नहीं, कुछ नहीं किया नहीं, अपना काम करना, अपने घर पे वापस आना, आके जो है ना बस अपने बीवी बच्चों में खुश रहने वाला इंसान। तो कानून से हम अदबन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार यही कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि जल्द से जल्द इनके कातिलों को पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दें।